ना मावा ना कंडेंस मिल्क ना ही कोई चाशनी बनाने का झंझट, बस 10-15 मिनट में लौकी की बर्फी बन जाती है और बहुत ही आसान है ये बर्फी बनाना। आप ये बर्फी किसी भी फास्ट में भी खा सकते हैं या किसी त्यौहार पर भी बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बबीता, मेरे चैनल दीक्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर आज की ये लौकी की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है एक लौकी, ये लौकी 400 ग्राम की है। इसको मैंने अच्छे से धो करके छील करके ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पर जो इसका अंदर का सॉफ्ट भाग है हम इसको हटा देंगे। बर्फी बनाने के लिए हम इस सॉफ्ट भाग का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। सारी लौकी के अंदर से हमें ये सॉफ्ट वाला भाग हटा देना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने सारी लौकी के अंदर से ये सॉफ्ट वाला वाइट वाइट भाग है उसको हटा दिया है। अब हम लौकी को कर लेंगे कद्दूकस। तो ये देखिए जो मोटे वाली छलनी है उस साइड से हमें कद्दूकस करना है, तभी हमारी जो बर्फी है वो एकदम लच्छेदार बनेंगी। सारी लौकी को हमें इसी तरह से कद्दूकस कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर लौकी के अंदर पानी जो है वो हम निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हाथों में दबा दबा कर हमें लौकी का पानी निकाल देना है। इससे ये होगा कि जो लौकी की बर्फी बनाएंगे तो ये जल्दी बन जाएगी, हमें पानी को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम जब बर्फी बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये बर्फी बन जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी लौकी का पानी मैंने निकाल दिया है इस तरह से। ये देखिए लौकी में इतना पानी निकला है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में हम डाल देंगे 4 छोटे चम्मच घी। अब यहाँ पर घी को हमें हल्का सा मेल्ट होने देना है। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें डाल देंगे हमारी कद्दूकस की हुई लौकी। तो यहाँ पर देखिए सारी लौकी हम एक साथ ही डाल देंगे और लौकी को इस तरह से चलाते हुए हमें 3-4 मिनट तक पका लेना है। लौकी को पहले घी में इस तरह से पकाने से ये होगा कि लौकी की जो बर्फी है बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो पहले आप लौकी को इस तरह से थोड़ी देर के लिए घी में ज़रूर पकाएं। और ये देखिए 2 मिनट हो गए मुझे इसको फ्राई करते हुए। अब हम इसको ढक कर पकाएंगे। तो यहाँ पर ढक्कन लगाकर इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे और बीच में हम इसको एक बार चला देंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको चला दें ताकि ये तले में ना लगे। और फिर से इसको ढक करके हम 5 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर देखिए लौकी को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो इस स्टेज पर आप इसमें मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज मावा नहीं डालूंगी, इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले लें। और ये देखिए एक बार हम दूध को इस तरह से चला देंगे और अब हम इसको ढककर नहीं पकाएंगे, हाई फ्लेम पर हम इसको ऐसे खुले में ही पकाएंगे जिससे दूध जो है वो जल्दी से पक जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ हद तक ये दूध जो है पक गया है। तो इसी तरह से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और दूध को अच्छे से जलने तक पका लेंगे। जब तक हमारा दूध पकता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये एक थाली ली है, इसको हम पहले से ही ग्रीस करके रख लेंगे जिससे हमें बर्फ़ी जमाने में आसानी हो जाएगी। तो आप इसको घी या ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। आपके पास अगर कोई ट्रे हो या जो भी बर्तन में आप बर्फ़ी जमाना चाहें उसमें जमा सकते हैं। और ये देखिए लौकी में थोड़ा ही दूध बचा है, काफ़ी हद तक दूध जल गया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये लौकी की बर्फ़ी बनाने में कोई भी मुश्किल ना आए। और ये देखिए दूध जो है पूरा जल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं इसमें पूरा 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ और अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें लौकी के साथ में चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। उसके बाद हम ऐसी सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे इस लौकी की बर्फी का स्वाद दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से ये जो लौकी की बर्फी है इसके टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आपको मावा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल मिल्क पाउडर इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो आप एक बार इस तरह से मिल्क पाउडर डालकर ये बर्फी बनाकर देखें, बार बार यही बनाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब चीनी को भी अच्छे से जलने देंगे, जब तक चीनी का पानी अच्छे से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमें इसे इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए पका लेना है।
मिल्क पाउडर आपको इसी स्टेज पर डालना है, जिसे मिल्क पाउडर भी अच्छे से चीनी के साथ में पक जाएगा। और यहाँ पर देखिए चीनी की जो चाशनी है पूरी तरह से घुल गई है, हल्का हल्का पतला सा लग रहा है हमें, अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो एक मिनट तक और पका लेंगे इसी तरह से चलाते हुए। और यहाँ पर देखिए इसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचा है, एकदम से चीनी का पानी जल गया है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बार इस तरह से चला देंगे ताकि ये तले में लगे ना। और अब हम बर्फ़ी को सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो थाली ग्रीस करके रखी थी उसमें पूरा बर्फ़ी का डो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बर्फ़ी बना रही हूँ, तो इस तरह से एक साइड में ही हम इसको सेट करेंगे, पूरी थाली में फैलाएंगे तो ये एकदम पतली सी बनेगी। तो इस तरह से एक साइड में हम इसकी आधी थाली में सेट कर लेंगे। बर्फ़ी को थोड़ा अच्छे से सेट करने के लिए इस तरह से कोई प्लेन तले वाला बर्तन ले लें और उस पर थोड़ा सा घी लगाकर बर्फ़ी को इस तरह से अच्छे से सेट कर लें। बर्फ़ी को इस तरह से सेट करने के बाद अब हम इस पर डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम। यहाँ पर आपके पास अगर चांदी का वरक हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर अपने इच्छा के अनुसार ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो डाल लें, या फिर बिना ड्राई फ्रूट के भी ये बर्फ़ी बना सकते हैं। और ड्राई फ्रूट को भी हम इस तरह से थोड़ा सा सेट कर देंगे और अब हम इसको ठंडा होने तक रख देंगे, जिससे बर्फ़ी जो है अच्छे से सेट हो जाएगी। इसको हमें अच्छे से ठंडा होने के बाद ही काटना है। और ये लीजिए मैंने बर्फ़ी को 20 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है और ये अच्छे से ठंडी हो गई है, सेट भी हो गई है। तो अब हम इसको काट लेते हैं। तो इस तरह से मनचाहे आकार में हम बर्फ़ी को काट लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं चौकोर काट रही हूँ बर्फ़ी को, और ये देखिए हमारी कितनी सॉफ्ट और लच्छेदार बर्फ़ी बनी है, आप देख सकते हैं। और खाने में तो इतनी टेस्टी है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो लीजिए हमारी लौकी की बर्फ़ी बनके तैयार है। आप ये लौकी की बर्फ़ी किसी फास्ट में भी बनाकर खा सकते हैं या फिर किसी त्यौहार पर भी बना सकते हैं। तो आप ये लौकी की बर्फ़ी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपके अपने चैनल दीक्षा की रसोई को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो।